गुड मॉर्निंग मैम, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू वर्क दिस मॉडल एंड हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय दिस मॉडल। आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमने मॉडल तैयार किया था, ये आपको मॉडल दिख रहा है ना? यस मैम। ये मॉडल तैयार किया था, आज हम बताएंगे कि ये काम कैसे करता है और इसमें से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम यहाँ पर 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2, 4, 6, 3 नंबर ले लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हम 2, 4, 6 हमने 3 नंबर लिए हैं, तो पहले हम 2 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, जब जो जिन संख्याओं से डिवाइड होता है वही सारे फैक्टर होते हैं। जैसे 2 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 1 से होगा, और किससे होगा, 2 से होगा, बस इसके बाद नहीं होगा। जो नंबर लेंगे वो लास्ट नंबर होगा। उसके बाद हम लेंगे 4। 4 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से और 4 से, ठीक है। तो हम इसमें करके देखते हैं, पहले हम निकालेंगे 2 के फैक्टर। तो 2 का फैक्टर हो गया 1, 2। फिर हम निकालेंगे 4 के फैक्टर, तो हो गया 1, 2 एंड हो गया 4। उसके बाद हम निकालेंगे 6 के फैक्टर, तो हो गया 1, 2, 3, 6, ठीक है। तो इसमें जिसमें भी 3 3 चने होंगे, क्योंकि हमने 3 नंबर लिए थे ना, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन 1 है और 2 है, ठीक है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 2। हमें निकालना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी तरह हम इसमें भी 2 नंबर लेंगे, 3 नंबर ले लेते हैं, चलो 2, 4, 6 ले लेते हैं। अब इसका हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल निकालना होगा। मल्टीपल कैसे निकालते हैं, जैसे हमें 2 के मल्टीपल निकालना है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएँ, 2 का टेबल पढ़ते जाएँ। 4 का निकालना होगा, 4 का टेबल पढ़ते जाएँ। बाई चांस अगर आप टेबल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो 2 के मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 2 ऐड करते जाओगे। और अगर 4 का मल्टीपल निकालना है तो क्या करोगे, 4 4 ऐड करते जाओगे। 6 का निकालना है तो 6 6 ऐड करते जाओगे। तो पहले हम 2 के मल्टीपल निकालते हैं। 2 का मल्टीपल हो गया 6 8 10। इसी तरह हम 4 के मल्टीपल निकालेंगे, 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 6। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। देखो इसमें 2 है, सबसे ज़्यादा कौन है, 3 होंगे नंबर, क्योंकि हमारे 3 नंबर थे, तो 3 इसमें भी है, 12 में है, और किस में है, 24 में है, ठीक है। बाकी सब में तो 2 2 हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें से छोटा कौन सा है, 12 की 24, 12 कौन सा छोटा है, 12। इस लिस्ट कौन सा है, 12, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 12। मीन्स 12 लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 12। तो समझ में आया आपको, यस मैम।